हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंटिंग नाइफ फ्रेंड्स देखिए आज हम ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली केबल बुनाई डिजाइन बनाना सीखेंगे जिसमें आपको फंदे जो है वो आगे पीछे नहीं करने पड़ेंगे बहुत ही आसान तरीका है और इसके लिए हमने यहाँ पे जो स्टिचेस लेने हैं फंदे लेने हैं देखिए आठ फंदों की केबल है और दो दो फंदे दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेंगे एक केबल के लिए यानी कि बारह फंदे एक केबल के लिए लेने होंगे तो बारह बारह के मल्टीपल ये चलेगी जितने केबल्स आपने लेनी है बारह बारह के मल्टीपल में उतने फंदे आपको लेने होंगे अगर पांच केबल्स बनाएंगे तो साठ फंदे लेने होंगे इस हिसाब से प्लस एड स्टिचेस लेंगे दो तो बारह के मल्टीपल में दो एक्स्ट्रा स्टिचेस लेते हुए हमने इसे बनाना है और यहाँ पे हमने ये तीन साल के बच्चे का जो है पुल ओवर बनाना स्टार्ट किया है स्वेटर बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत ही टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तीन साल के बच्चे का सिंपल स्वेटर बनाने की तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरा अभी हम सिर्फ ये पैटर्न सीखेंगे ताकि अगले वीडियो में जो है जल्दी से हम इसे बना सकें तो क्योंकि ये बारह के मल्टीपल में चलता है तो हमने यहाँ पे बारह फंदे लिए हैं और एक एक फंदा एच स्टिचेस के लिए लिया है ये जो बीच के बारह फंदे हैं इन्हीं को हमने केबल के लिए रिपीट करना है देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे अब जो पैटर्न रिपीट हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे राइट साइड से दो फंदे उल्टे फिर आठ फंदे सीधे बुनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये हमारे जो बारह फंदे हैं यानी कि दो उल्टे से जो शुरू हो रहे हैं दो उल्टे आठ सीधे दो उल्टे ये हमने बार बार रिपीट करने हैं तो फिर से दो उल्टे आएंगे अगली बार तो अब हमने जब ये बारह बारह फंदे रिपीट कर लिए लास्ट में हमारा एच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे अब रॉन्ग साइड से अगर फ्रेंड्स आपको इस केबल को उभरा हुआ बनाना है और उल्टी तरफ से भी आप बुन सकते हैं तब तो आपने ये जो फंदे हमने इस तरफ से उल्टे बुने बैक साइड से इन्हें सीधा बुनेंगे लेकिन अगर आपको उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी चाहिए तो वैसे भी बन जाएगा यहाँ पे हमने इसमें उल्टी सिलाई उल्टी बुनते हुए बनाया है तो ये थोड़ा सा कम उभरा हुआ आता है लेकिन बन जाता है तो इसमें हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे ऑल और अगर आपको ज़्यादा उभरा चाहिए और आपको केबल बनाने का तरीका जो है वो आता हो तो आप ये दो फंदे भी सीधे बुनिएगा और ये दो भी सीधे बाकी हमारे उल्टे आएंगे ये आठ तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे पूरी रो देखिए तीसरी सिलाई थर्ड रो इसको हमने फिर से जैसे फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही बुनना है यानी कि दो फंदे उल्टे आठ सीधे दो उल्टे तो ये रो हम पूरी बना लेते हैं पहले आठ सीधे थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं इसे दो उल्टे ये बारह बारह फंदे रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में हमारा अजी स्विच बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट हुई फोर्थ रो चौथी सिलाई ध्यान से देखिए रॉन्ग साइड पहला फंदा स्लिप किया अब ये दो फंदे उल्टे आएंगे और ये जो आठ फंदे हैं बुनना तो इन्हें भी हमने उल्टा है लेकिन तीन बार ऐसे धागा पेट कर बुनेंगे पर यार्न अराउंड तो तीन बार हम ऐसे दो आठ फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं तीन बार धागल लपेटते हुए उल्टे हैं अब फिर ये दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और फिर से हमने ये दो उल्टे आठ फंदे जो है इस तरह से धागा लपेट के फिर दो उल्टे रिपीट करते जाना है लास्ट में हमारा एच स्टिच बचेगा जिससे हम उल्टा बुन लेंगे तो ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हुई फिफ्थ रो पांचवी सिलाई पहला फंदा स्लिप किया दो फंदे इस तरफ से ये उल्टे आएंगे राइट साइड से ये गैप के फंदे हैं जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते जाएंगे अब ये जो हमारे आठ फंदे हैं देखिए इन्हें हम पहले ऐसे उतार लेंगे अब इन्हें ऐसे खींच कर सीधा कर लेंगे पहले अब देखिए ये जो पीछे वाले चार फंदे हैं इन्हें इस तरह से सिलाई डालकर क्योंकि इसलिए हमने इन्हें ढीला बुना होता है धागा लपेटते हुए ऐसे बीच में से निकाल लेंगे अब अगर आपको ये क्योंकि हमने इन्हें वापस लेना है इस सिलाई पे, अगर आपको ये टाइट लगते हैं तो पहले इन फंदों को छोड़ दीजिएगा इन फंदों को ही लीजिएगा और ऐसे हमने इन्हें सीधा बुन लेना है चार फंदों को वन टू आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसे टाइट बुनिएगा ताकि यहाँ पे होल ना बने गैप ना बने चार फंदे ये बुन लिए अब हम इन फंदों को उठाएंगे ऐसे उठा लेंगे और इन्हें इस जैसे हैं ये सीधे ऐसे ही उठाएंगे फ्रेंड्स ये जो है फंदे आगे पीछे ना हो ये देखिए अब इन चारों को भी हम सीधा बुन लेंगे तो ये आसान तरीका है जिससे हमने चार फंदों को चार फंदों के इस तरह से क्रॉस में बुन लिया अब ये जो अगले दो फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे और यही आठ फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे तो ये हमने जो है फिफ्थ रो पांचवी सिलाई कंप्लीट की अभी आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे होल बन रहा है आपको लगेगा लेकिन जब भी हम नेक्स्ट रो बुनेंगे तो ये ठीक हो जाएगा देखिए पहला फंदा स्लिप किया अब ये फंदे उल्टे बुने जाएंगे वन टू ये देखिए इस फंदे को भी हम ऐसे धागा खींच के थोड़ा सा फिर उल्टा बुनेंगे किसी भी धागा खींच के उल्टे होनेंगे थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे इन फंदों को तो ये जो होल बन रहा था छेद बन रहा था ये नहीं बनेगा ये रो कंप्लीट करने के बाद आपको मैं बताऊंगी ये देखिए तो सिक्स रो में भी हमने सारे फंदे उल्टे यानी हमने रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा बुनना है सिर्फ एक रो में हमने जो है दो बार धागा पीट के बुनना होता है फिफ्थ रो में पांचवी सिलाई में तो ये छह सिलाइयां हमने बुनी हैं और इस तरह से हमने इन्हें क्रॉस कर लिया ये देखिए ये जो होल्स जब हम इसको बुनते जाते हैं तो ये होल्स खुद ही बंद होते जाते हैं ये कहीं पे भी आपको ये होल्स जो है वो नजर नहीं आएंगे साइड में तो आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस रह रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है जब ये बनता जाएगा होल्स अपने आप ही ये कवर होते जाते हैं जब इसे खींच के हम सेट कर लेते हैं तो, तो इन ही छः सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करना होता है फिर से हम एक फंदा स्लिप करके दो उल्टे छ सॉरी आठ सीधे दो उल्टे बुनते हुए फर्स्ट रो बुनेंगे तो ये छह सिलाइयाँ रिपीट करने के बाद ही हमारा ये पैटर्न बनेगा तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये स्वेटर बनाना है तो जुड़े रहिए चैनल से क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे और अगर आपको ये किसी जेंट स्वेटर में डालना है तो बारह बारह के मल्टीपल आप फंदे लीजिएगा जैसे एक सौ बीस फंदे लेंगे तो दस आपकी ये इस तरह से बनेगी केबल्स और एक एक फंदा दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा यानी एक सौ बाईस फंदों पर आप बड़ा स्वेटर बना सकते हैं तो बहुत ही आसान है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ थैंक यू